डालेगा, और यही दुर्भाग्य है हिंदी मीडियम वाले बच्चों का। ट्यूब्यूलिन मिलेगा। अब आपको पते की बात बताएं, आपको एक पते की बात बताएं, सच्ची सच्ची, ये वाला कंसेप्ट पता है कौन सी क्लास में आता है? ये पता है कौन सी? एनेस्ट्रल प्रोटीन। यस, एनेस्ट्रल प्रोटीन। हाँ जी, ये वाला कंसेप्ट पता है कौन सी क्लास में आता है? मैंने ये चीज पता है कब पढ़ी थी? मेरे से पता है ये क्वेश्चन किसने पूछा था? मेरे को आज भी याद है, 2015 की बात है, 2015 की बात है। उस टाइम पर मेरे को जिस कोचिंग में मैं पढ़ाता था, वहां पर एक दिन क्या हुआ, 9th क्लास की टीचर नहीं आई थी। कौन नहीं आई थी? 9th क्लास की टीचर जो थी वो नहीं आई थी। और वो जो 9th क्लास के जो सॉरी 10th क्लास की 9th नहीं 9th या 10th आ सॉरी 9th क्लास की टीचर नहीं आई थी 9th क्लास की टीचर 9th क्लास की सुनना 9th क्लास की टीचर नहीं आई थी। इंग्लिश में मैं पढ़ाता था, 9th क्लास की टीचर जो थी, 2015 की बात है। उस टाइम पर एक 9th क्लास के बच्चे ने मेरे से प्रश्न पूछा था ये कि सर, हमारी मैडम ने हमको ये बताया कि सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल, सो इट मींस प्लांट सेल डू नॉट डिवाइड, प्लांट सेल जो है वो डिवाइड नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, बात तो सही है बेटा, बिल्कुल, लेकिन सर बिना प्लांट सेल तो डिवाइड करते हैं, तभी तो नई सेल्स बनती है, तभी तो प्लांट की ग्रोथ होती है। मैंने कहा हाँ जी बेटा, बात तो सही है। सो हाउ कैन प्लांट सेल डिवाइड, प्लांट सेल कैसे डिवाइड होते हैं? मैंने कहा ले बेटा ऐसे देख, अब सुन जो मैं तेरे को बता रहा हूं। तो ये सारी बातें पता है उसने, उस बच्चे ने सुनकर बोला, सर ये सारी बातें हमारी बुक में। मैंने कहा पगला गया है क्या, मैंने ये बातें बहुत नीट में पढ़ाते तब वहां पर पढ़ी थी, एक बुक में पढ़ी थी, ट्रूमेंस नाम से बुक है, उसमें पढ़ी थी, तूने कहां से पढ़ ली? बोला सर हमारे कोर्स में ये चीजें। मैंने कहा क्या, 9th क्लास में ये चीज? पागल बना रहा है बेटा तू मेरे को, है ऐसे थोड़ा ना 9th क्लास में चीज आने लग गई है क्या? बोला हाँ सर है। मैंने कौन सी बुक में? एक बुक आती है इंग्लिश मीडियम की जिसका नाम है एस चांद, इंग्लिश मीडियम में आती है एक बुक आती है एस चांद नाम से एक बुक आती है, और उस एस चांद बुक को उसने मेरे को दिखाया और मेरी सिट्टी पिट्टी गोल हो गई, कसम से सिट्टी पिट्टी। मैंने कहा 9th क्लास में ये चीज है बच्चे के पास, ये इतनी जबरदस्त इंफॉर्मेशन, अगर वो बच्चा 9th क्लास से सीरियस हो जाए, उस 9th क्लास से उसको ये चीजें पता लगने लग जाए, वो नीट को फोड़ डालेगा कि नहीं फोड़ डालेगा। और यही दुर्भाग्य है हिंदी मीडियम वाले बच्चों का कि हमारे पास 9th क्लास में ऐसी बुक्स नहीं है। हमारे पास ये जो इंफॉर्मेशन जो होती है ना, ये हमें BSc में जाकर मिलती है, MSc में जाकर मिलती है। अब आप खुद सोचिए, एक इंग्लिश मीडियम के बच्चे के सिलेक्शन के चांसेस क्यों ज्यादा होते हैं? क्योंकि उनके पास इतने सारे स्रोत हैं, उनके टीचर्स, उनके स्कूल, उनकी बुक्स, उनके मॉड्यूल, उनका एनवायरनमेंट, समझ रहा है, ये सारी चीजें उनको ऐसी मिल रही है जो उनको कंपटीशन में धकेलती है उनको, खेल कॉम्पिटिशन, निकल इसमें से। लेकिन हिंदी मीडियम, सरकारी स्कूल, ना जहां टीचर को कोई होश है, ना बच्चे को कोई होश है, टीचर भी आराम से सुस्ता रहा है, बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, बतिया रहा है, ये होता है हिंदी मीडियम में। बिल्कुल ईमानदारी के साथ में ये चीज बोल रहा हूं मैं ये, और यही है, इसी की वजह से ना ही हिंदी मीडियम के बच्चों को ज्यादा जागरूकता है। इसी वजह से आज शाम को 10th क्लास के जो बच्चे ना, उनको आज मैं जाकर शाम को 7 बजे यूट्यूब पर मैं एक ना वो लेने वाला हूँ, एक सेशन लेने वाला हूँ। यहाँ पर 10th क्लास में एक टीचर पढ़ाती है, पूजा मैडम है, शायद आप जानते होंगे, उनके साथ में एक सेशन लेने वाला हूँ, ताकि मैं उन बच्चों को बताऊं कि भाई तुम 10th के बाद करोगे क्या, कहीं तुम्हारा हाल भी ऐसा ना हो जाए कि तुम भी चिड़ी बल्ला या बैट बॉल खेलते रह जाओ, मास्टर साहब तुम्हारे आराम से धूप सेक रहे हो और तुम आराम से खेलते रह जाओ, फिर 12वीं जब एग्जाम आए फिर सीरियस हो, बोर्ड के एग्जाम आ गया, बोर्ड के एग्जाम के बाद में फिर पता लगे अरे नीट भी नाम की कोई चीज होती है, अच्छा डॉक्टर बनते हैं इससे, चलो ये भी देकर देख लेते हैं, फिर देकर देखते हैं, फिर किसी कोचिंग में चले जाते हैं, और कोचिंग में चले जाते हैं, माँ बाप का पैसा खराब कर देते हैं। क्यों? क्योंकि 11th में तो पढ़े नहीं थे, 11th में पढ़े नहीं, 12th में जागरूक हुए, 12th में भी जागरूक कब हुए, जब बोर्ड का एग्जाम टाइम आ गया था तब हो गए थे, तो पूरी कहानी खत्म हो जाती है। ये है हकीकत।